Hello, my name is Chandrakant Sonawane and you're watching me on Bollywood Spy. Inshallah. I think it's a surprise. Film mein to Houseful 4 bhi chal raha hai. Salman sir ke liye difficult ho sakta hai. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति और आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई। फिल्मों में जो कॉस्ट्यूम होते हैं कैरेक्टर्स के, कहीं ना कहीं वो उनकी स्टोरी बयां करती हैं। जितने इम्पॉर्टेंट एक्टर्स होते हैं, स्टोरी होते हैं, सेट होते हैं, उतने इम्पॉर्टेंट कॉस्ट्यूम होते हैं। ऐसे ही खास पर्सनैलिटी हमारे साथ हैं जिनको हम कहते हैं कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर। और मैं अगर बात करूँ तो उन्होंने फिल्म ले लीजिए पद्मावत, रामलीला, बाजीराव मस्तानी, भूमि, ऐसे कई सारी फिल्मों में अपने कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किए और इसके पीछे बहुत सारी मेहनत लगती है और क्रिएटिविटी लगती है। जी हाँ, इस वक्त हमारे साथ हैं कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर चंद्रकांत सोनावने जी का हम स्वागत करेंगे हमारे चैनल बॉलीवुड स्पाई में। चंद्रकांत जी, आपका स्वागत है बॉलीवुड स्पाई में। ओके, पहले मैं जानना चाहूँगी कि जब आप कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करते, इतनी बड़ी बड़ी फिल्में, यू नो, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, तो कैसा फील होता है? क्या कुछ रिस्पॉन्स आपको डायरेक्टर की तरफ से मिलते हैं, स्टार्स की तरफ से, जब वो कॉस्ट्यूम देखते हैं? बहुत अच्छा लगता है। बेसिकली इस वक्त हम एक डायरेक्टर के विजन को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं ज़्यादातर, कि डायरेक्टर का विजन क्या है। जैसे कि संजय सर है, उनका विजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो अपने आर्टिस्ट को, अपने मेल और फीमेल लीड को किस तरह से देखते हैं, तो अकॉर्डिंग टू दैट डिज़ाइन करना पड़ता है। अगर हम रणवीर और दीपिका को देख के डिज़ाइन करेंगे तो वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा जी। तो हमें वो कैरेक्टर को देख के ही डिज़ाइन करना पड़ता है, तो आई थिंक दैट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड इट्स गुड। वही मैं आपसे पूछ रही थी नेक्स्ट क्वेश्चन कि जब आप कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करते हैं तो आप पहले स्टोरी को ध्यान में रख के, या कैरेक्टर, या फिर जो एक्टर एक्ट्रेस है उनको ध्यान में रख के करते हैं? एक्चुअली इट्स लाइक अ कॉम्बो। हमें स्टोरी सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो स्टोरी लाइन किस तरह से है, किस एरा की है, क्या क्या एरा है उसका, जो स्टोरी लाइन का, तो एरा, प्लेस, कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद हम उस कैरेक्टर को बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। डेफिनेटली हमें एक कैरेक्टर को देखना पड़ता है, जैसे बॉडी लैंग्वेज है, दीपिका जी है या रणवीर है, इनको देख के उनके ऊपर किस तरह की चीज़ें अच्छी लग सकती है अकॉर्डिंग टू दैट कैरेक्टर, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्ट। तो ये सारी चीज़ें एक साथ करके ही फिक्स करना पड़ता है डिज़ाइन किस लाइन पे जाएगा। डेफिनेटली अगर मैं बात करूँ जो भी फिल्मों में आपने दिया है अब तक कॉस्ट्यूम, कहीं ना कहीं लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, ऑडियंस, व्यूअर्स जो भी देखते हैं उनको लगता है कि ये समथिंग लाइक, ये हम कब पहनेंगे, हम कैसे पहन सकते हैं, ऐसे उनके माइंड में चलता है, एक ड्रीम बन जाता है उनके लिए। तो आपके पास क्या कुछ रिस्पॉन्स है? स्पेशली मैं जानना चाहूँगी जब दीपिका ने कॉस्ट्यूम देखा, जब रणवीर ने, तो उनकी तरफ से आपको क्या रिस्पॉन्स है? डेफिनेटली जब वो लोग भी इस स्क्रिप्ट थ्रू जाते हैं तो वो भी अपने माइंड में एक अलग कैरेक्टर क्रिएट करते हैं। डेफिनेटली वो उस कैरेक्टर के साथ जीते हैं। बट जब वो उस कैरेक्टर के साथ जाते हैं और पहली बार वो कॉस्ट्यूम्स देखते हैं कि हम ये पहन के करने वाले, तो वो डेफिनेटली वो एक अलग सा खुशी, एक्साइटमेंट देखने को मिलता है, तो बहुत अमेजिंग होता है। जानना चाहूँगी जर्नी कैसी रही, यू नो, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर बनना एक डिफरेंट ही हो जाता है देन फैशन डिज़ाइनर जो भी होता है, लेकिन कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर आपको जाना पड़ता है, अपने डिज़ाइंस कितने रिजेक्ट होते हैं, आप रिजेक्ट करते हो अलग सामने से, तो ये जर्नी कैसी रही बताइए? एक्चुअली बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर को अपना करियर बनाते टाइम पे, इसलिए डिफ़िकल्ट होता है मेरे लिए, पर्सनली डिफ़िकल्ट नहीं बोल सकते, मेरे लिए ये इसलिए डिफ़िकल्ट था कि मैं इस फील्ड से बिल्कुल ही नहीं था और मेरा बैकग्राउंड था जो फिल्म लाइन से बिल्कुल ही मैच करने वाला नहीं था, तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। बट आई थिंक जो मेरे पास अलग मतलब मेरा जो बैकग्राउंड था, उस तरह से अगर मैं उस चीज़ को देखता हूँ तो नॉट नेसेसरी कि यहाँ के लोग उस तरह से उस चीज़ को देखते थे। आई थिंक वो जो अनोखापन था, जो मेरा प्रेजेंटेशन करने का या कैरेक्टर बिल्ड करके किस तरह से उसको डेवलप कर सकते हैं, ये देखने का तरीका मेरा अलग था और वो लोगों को पसंद आने लग गया था। जितने भी डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ भी मैंने काम किया, तो आई थिंक उनको मेरा विजन पसंद आ गया, उसकी वजह से मैं इस इंडस्ट्री में अच्छे से कर पाया। कौन से ऐसे मतलब कौन से फिल्म से आपको ब्रेक मिला, बोल सकते हैं कि यू नो फिर चालू हो गए कि हाँ आप चंद्रकांत हैं इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में आ गए? वैसे देखा जाए तो मैं कॉलेज में था, फैशन डिजाइनिंग कर रहा था, तब मुझे मेरी एक फ्रेंड थी मारिया करके, ईरान की, तो उसको एक फिल्म का ऑफर हुआ था, इंडो ईरानी फिल्म दीवाने इश्क, तो उसने उस वक्त मेरा प्रोजेक्ट और वो मेरा डिज़ाइन लाइन देखने के बाद उसने मुझे बोला था कि हम दोनों इस फिल्म पे काम करते हैं,
आई थिंक दैट वॉज माई फर्स्ट ब्रेक कि मैं इंडस्ट्री में आ गया था जी. पर कौन से ऐसे स्टार, मैं ऐसे मान सकती हूँ कि कहीं ना कहीं रामलीला से यू नो शुरुआत हो गई. अगर अगर वैसे देखा जाए तो डेफिनेटली मेरी बॉलीवुड की शुरुआत रामलीला से ही हुई है, क्योंकि अब तक मैंने जो फिल्में की थी वो बहुत अलग फिल्में थी. जो डायरेक्टर के साथ काम किया था उनका विजन अलग था. यहाँ पे वो दो स्टेप आगे वाली चीजें थी जी. यहाँ पे हम सिनेमा को रीजनल लैंग्वेज में कंसिडर नहीं कर सकते थे, इंटरनेशनल लेवल पे यहाँ पे काम किया जाता था. तो आई थिंक मेरा बॉलीवुड का करियर रामलीला से डेफिनेटली स्टार्ट हुआ है. ऑब्वियसली क्योंकि उस फिल्म के अंदर जो कॉस्ट्यूम की अगर मैं बात करूँ, जो इंडियन कॉस्ट्यूम को आपने एक अलग ही लेवल पहुँचा दिया था, एक डिफरेंट तरीके से कि लोग मतलब सोचने पे मजबूर हो गए थे कि यार ये से भी कॉस्ट्यूम बन सकते, वो थ्री लेयर वाले जो तो कहीं ना कहीं मैं वो डेफिनेटली हम सब लड़कियाँ चाहेंगे एक बार पहनना. तो इस तरीके से आपको कैसा लगता है कि लोग जब अप्रिशिएट करते हैं आपके जो क्रिएटिविटी लेवल है? डेफिनेटली अच्छा लगता है. मतलब अगर आप देखोगे कि मैंने अगर कोई चीज़ क्रिएट की और वो लोगों को पसंद आने लग गई है, तो वो जो चीज़ है उससे आगे वाला कुछ फॉर्मेट क्रिएट हो जाए, उससे आगे वाली चीज़ क्रिएट हो जाए, ये हमेशा एक हर एक डिज़ाइनर के अंदर होता है. नॉट इवन डिज़ाइनर, हर एक फील्ड में अगर आप कुछ अच्छा काम करते हो, आपको अप्रिसिएशन मिलता है, तो उससे भी आप आगे का काम करने की कोशिश करते हो. बट डेफिनेटली रामलीला मेरे लिए बहुत ही अमेजिंग था, बिकॉज द रीजन वॉज कि जिस तरह से उस केडिया को हमने ग्लैमराइज करवाया था, अगर ततड़ ततड़ आप देखेंगे तो उस सॉन्ग में जो पहनते, हाँ, तो आई थिंक डेफिनेटली अच्छा लगता है, अप्रिशिएट करते हैं लोग, तो और अच्छे से काम करने की इच्छा होती है. अच्छा, सबसे डिफिकल्ट यू नो कौन से स्टार का डिजाइन करने में, कॉस्ट्यूम डिजाइन करने में डिफिकल्टी होती है, या फिर कितना ईजी तरीके से हो जाता है? वैसे देखा जाए तो हर एक कैरेक्टर डेवलप करने में डिफ़िकल्टीज आती है, बट आप डिफ़िकल्टीज़ को किस तरह से पॉजिटिवली लेके उसमें उस कैरेक्टर प्लस यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि एक एक्टर अपने अंदर के कैरेक्टर को डेवलप कर चुका होता है और डायरेक्टर भी अपने अंदर के कैरेक्टर को डेवलप किया होता है. तो दो अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, हमें इन दोनों को मर्ज करना पड़ता है. सो दैट वॉज रियली बिग टास्क. अगर एक कैरेक्टर देखता है कि मैं इस तरह का कैरेक्टर हूँ और डायरेक्टर देखता है कि नहीं ये इस तरह का नहीं, थोड़ा सा अलग कैरेक्टर है, तो आई थिंक ये दोनों कैरेक्टर को मर्ज करने के लिए हमें दोनों तरह से कोशिश करनी पड़ती है. सो ट्रू क्योंकि हमें तो लगता है कि वाह कितना ब्यूटीफुल ड्रेस है, कितना ब्यूटीफुल आउटफिट है, लेकिन उसके पीछे की मेहनत वो तो बहुत ज़्यादा तगड़ी रहती है. जानना चाहूँगी जैसे कि आपने अभी तक जैसे रामलीला ले लीजिए, पद्मावत ले लीजिए, बाजीराव, संजय लीला भंसाली की फिल्मों में यू नो आप रह ही रहे हैं, तो हम ऐसा उम्मीद कर सकते हैं कि उनकी फिल्म जो आने वाली है इंशाल्लाह तो इसमें भी आपके ही कॉस्ट्यूम होंगे ऐसा इंशाल्लाह. Okay. Yeah, but let's see. अभी तक तो initial level पे सब चीजें चल रही हैं, तो let's see. Okay. Let's hope for best. जैसे हमने आपके इंस्टा पोस्ट में देखा कि नरेंद्र मोदी की जो फिल्म है उसमें भी आपने कॉस्ट्यूम दिया है, तो उसके बारे में बताइए कैसा रहा कि यू नो प्राइम मिनिस्टर हमारे, क्योंकि जब भी वो जाते हैं इंटरनेशनल दौरे पे तो एक अलग ही पर्सनालिटी कैरी करते हैं वो, तो उस पर्सनालिटी को दिखाना फिल्म के अंदर कितना डिफिकल्ट रहा? ये एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि एक अगर आप किसी कैरेक्टर को इमेजिन करते हैं तो उस कैरेक्टर को आप अपनी तरह से प्रेजेंट कर सकते हो, बट जो कैरेक्टर ऑलरेडी है और उस कैरेक्टर को एक दूसरे कैरेक्टर के साथ मर्ज करके उसको उस तरह से दिखाने की कोशिश करनी या कैरेक्टर बिल्ड करना है वैसा, तो वो डिफिकल्ट होता है. बट आई थिंक हमारा जो मीडिया है, मीडिया, इंटरनेट, गूगल, इसके फोटोग्राफर्स एक्चुअली तो इन सब की मदद और जो वो एरा ऑलरेडी है सब, आप अगर गूगल करोगे तो पीएम सर का जो नरेंद्र जी का पूरा बचपन से लेके अब तक का जर्नी आपके आंखों के सामने आता है, थैंक्स टू फोटोग्राफर्स जो ने भी मेकर्स है. एग्जैक्टली, बहुत मेहनत है. हाँ, ये बहुत मेहनत है, बट उनके मेहनत की वजह से हमारी मेहनत थोड़ी सी कम हुई. और या डेफिनेटली सब आपने रिसर्च किया यू नो इंटरनेट पे जाके कैसे मैं आगे यू नो इस चीज को दिखा सकता हूं फिल्म के अंदर. और वो कैसा होता है ना कि उनका बॉडी टाइप और विवेक सर का बॉडी टाइप जो है, वो बॉडी टाइप को एक लाइन पे लेके आना जी, ये बहुत डिफिकल्ट था, बट वो हो गया.
ऐसा कभी हुआ है कि डायरेक्टर की तरफ से अप्रूव हो गया है कॉस्ट्यूम, लेकिन कहीं ना कहीं स्टार्स के वजह से, मतलब उन्होंने बोला कि नहीं इसमें ये हो सकता है, ये चेंज करो वो करो, कुछ ऐसा हुआ? हाँ होता है बहुत बार, ऐसा सब चीजें होती रहती है। बट एक्चुअली ऐसा होने के बाद हमें क्या करना पड़ता है कि डायरेक्टर का विजन, और अगेन मैं वो रिपीट करना चाहूंगा चीज कि डायरेक्टर का विजन और एक्टर का विजन दोनों को मर्ज करने की कोशिश करनी पड़ती है। ऐसा ना हो कि अगर एक्टर ने बोला कि ये मुझे पसंद नहीं है और हमने जबरदस्ती डायरेक्टर ने बोला है इसलिए वो उनको आउटफिट पहनने के लिए बोलेंगे तो उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, वो कैरेक्टर नहीं दिखेगा। तो आई थिंक दोनों के बीच में दोनों के विजन को मर्ज करके अगर आउटफिट को मॉडिफाई किया जाए तब वो दोनों खुश हो जाते हैं और आपके सामने एक अच्छा कैरेक्टर डेवलप हो जाता है। ऐसे कोई डायरेक्टर्स हैं एक्सेप्टेड जिनके साथ आपने काम किया है, कोई ऐसे डायरेक्टर्स जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं, उनकी फिल्मों में कॉस्ट्यूम डिजाइन करना चाहते हैं, आपको उनकी फिल्में देखना पसंद है, उनके सोचने का तरीका ऐसे? आई थिंक डेफिनेटली मैं संजय सर का ही नाम लूंगा। हाँ ऑब्वियसली उनके साथ तो आप काम ही कर रहे हैं, ये तो सबसे बड़ी बात होती है, लेकिन उनके अलावा अगर मैं काम करना चाहूँगा तो मुझे विशाल भारद्वाज सर के साथ काम करने की इच्छा है, इम्तियाज अली सर के साथ काम करने की इच्छा है, और डेफिनेटली अभी एक सरप्राइज है कि मैं एक अपकमिंग प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ जो मेरे ड्रीम डायरेक्टर थे। नाम आई थिंक इट्स अ सरप्राइज, तो वेट करना पड़ेगा। यस। अच्छा स्टार्स की बात करें, सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान, डेफिनेटली इन सब को यू नो आप काम करना चाहेंगे, तो उनके लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन कैसे, आप अगर आता है आपके पास ऑफर तो आपका क्या रिएक्शन होगा साथ ही साथ, और क्या कैसे आप सोचेंगे कि इनको हम कैसे यू नो कॉस्ट्यूम पहनाएं? या डेफिनेटली अगर मुझे इन तीनों आर्टिस्ट के साथ, डेफिनेटली ये लीजेंड है हमारी बॉलीवुड के, हम इनको देख के बड़े हुए हैं, तो मेरा रिएक्शन तो पहले वाव ही होगा, अगर इनके साथ सुपर वाव होगा। अगेन फिर से मैं वही बोलूंगा कि उनको अगेन कैरेक्टर वाइज जाके, स्क्रिप्ट वाइज जाके, पर सबसे डिफिकल्ट किसके लिए रहेगा बनाना? सलमान सर के लिए डिफिकल्ट हो सकता है। क्यों ऐसे क्यों? अरे उनका आई थिंक उनका एक अलग तरीका है अपनी चीज़ों को लेने का, अपने का कॉस्ट्यूम को देखने का। बट आई थिंक मुझे लगता है पर्सनली आमिर सर की बात किया तो वो बहुत एक्सपेरिमेंटल है, उनके अपने जितने भी फिल्म्स देखे होंगे बहुत अलग अलग कैरेक्टर को उन्होंने बिल्ड किया है, तो उनका खुद का इनपुट होगा सो और आई थिंक पर्सनली आई फील कि सलमान सर के साथ थोड़ा सा हो रहेगा। अच्छा उनकी फिल्म भारत भी आ रही है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अमेजिंग लुक है, अगर आपने भी ट्रेलर देखा हो तो वाव है, उनका एक नया रूप आपको देखने को मिलेगा। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं उनकी ये फिल्म देखने के लिए। डेफिनेटली हम भी देखना चाहेंगे कि जब आप सलमान खान के लिए डिजाइन करेंगे आउटफिट तो कैसा होगा, कुछ ड्रीम जैसा होगा। या डेफिनेटली। कि जाते जाते क्या कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, कौन सी आने वाली फिल्मों में हम आपके कॉस्ट्यूम देख सकते हैं और यू नो उसका ही रेप्लिकेट करके हम भी ट्राई कर सकते हैं? अभी फिल्म में तो हाउसफुल 4 अभी चल रहा है जो दिवाली को आपको देखने को मिलेगा, जिसमें मैंने डिजाइनिंग किया है। अगेन दो तीन प्रोजेक्ट है जिनके बारे में अभी मैं बात नहीं कर सकता हूँ। दो तीन टीवी शो है जो बहुत ही अमेजिंग प्रोजेक्ट्स है, और आप देखेंगे और खुद भी पहनने के लिए कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, और आपके आने वाले सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।